कुछ एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। इसके लिए क्या करेंगे, एक्स जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कॉन्स्टेंट है, उसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, यहाँ से हम कोएफिशिएंट लिखेंगे, यानी कि ए बी और सी का वैल्यू। ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है वन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है वन। बी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस फाइव, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस फाइव, यह देगा माइनस फाइव। तीसरा क्या है, सी, सी क्या होगा कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगा जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, तो कितना है प्लस का फोर, ये लिख लिया कॉन्स्टेंट टर्म प्लस फोर, ठीक है। अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला था माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो माइनस और बी का वैल्यू क्या है, पहले से माइनस में है तो माइनस फाइव अपॉन वन, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का फाइव। दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है सी बाय ए, सी बाय ए, सी का वैल्यू कितना है फोर और ए का वैल्यू वन, ये कितना आ गया फोर, ठीक है। अब ये चीज तो हम सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे, जो रिलेशन जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ देखिए देखा, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे, तो अल्फा बीटा का एलसीएम क्या जाएगा, अल्फा बीटा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइव रिप्लेस कर देंगे फाइव, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फोर यहां पर देंगे फोर, माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है फोर, तो फोर इंटू टू कितना जाएगा एट, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को वन, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ये क्या जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ गया फोर, इन दोनों का एलसीएम आ गया फोर, यहाँ पे हो गया फाइव माइनस थर्टी टू, तो फाइव में से थर्टी टू माइनस कर देंगे तो माइनस का ट्वेंटी सेवन बाय फोर, ठीक है। बस में आ गया, यानी कि जो हमें रिलेशन दे रखा था वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, हम क्या किए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या आ गया अल्फा बीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सम ऑफ जीरो, वो चीज कितना है प्लस फाइव, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो कितना है प्लस फोर, दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दिए और सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें मिल लीजिए इसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे उसको हम ध्यान में रखेंगे, और जिस रिलेशन जो भी रिलेशन दिया रहेगा उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। और जब कोएफिशिएंट हम लिखेंगे ए बी और सी का वैल्यू जिस समय लिखेंगे उस समय हम ध्यान में रखेंगे जो साइन के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस जो भी साइन रहेगा उस साइन के हम साथ लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसका है, जो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा, वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है, और इसका वैल्यू फाइंड करना है वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा आता है। ठीक है, हम सबका वैल्यू इसके पहले ए बी और सी का वैल्यू, ये क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वन, दूसरा क्या लिखेंगे बी का वैल्यू, बी क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट भी क्या है वन, तीसरा लिखेंगे सी, सी क्या होगा कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगा जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है माइनस टू, या क्या माइनस का टू। ठीक है, आप यहां से लिख लेंगे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए, तो बी का वैल्यू कितना है वन, माइनस वन अपॉन ए, ए का वैल्यू कितना है वन, ये कितना आ गया माइनस का वन। दूसरा निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, वो फॉर्मूला क्या होता है सी बाय ए, सी कॉन्स्टेंट टर्म कितना है माइनस टू अपॉन ए, ये कितना है वन, ये कितना आ गया माइनस का टू, ये निकाल कर रख लिया। ठीक है, ओके, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अल्फा माइनस बीटा का जरूरत पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। ठीक है, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जो वैल्यू पता है उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, ये क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन, फिर यहाँ पे माइनस फोर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है माइनस टू, या क्या माइनस का टू, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस माइनस प्लस, प्लस का एट, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया फोर प्लस वन एट, यहाँ पे एट, तो एट प्लस वन कितना हो जाएगा नाइन। ठीक है, तो एट प्लस वन क्या हो गया नाइन, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया नाइन। ठीक है, अब इस पूरे का स्क्वायर जो है वो कितना है नाइन आ रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे अल्फा माइनस बीटा निकाल देंगे, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस थ्री, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस थ्री। अब देखिए जो रिलेशन हमें दे रखा है वो रिलेशन क्या है वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा, वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, जब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा एलसीएम अल्फा बीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई, तो बीटा माइनस अल्फा, ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस जब कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ऊपर से माइनस कॉमन लिए तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, ऊपर से माइनस जब कॉमन ले लेंगे देखिए यहाँ पे क्या जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू पता है तो अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो कि अगर हम प्लस थ्री रखते हैं क्या जाएगा प्लस थ्री अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है माइनस टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या गया थ्री बाय टू। वैसे ये कब आएगा जब पॉजिटिव रखे, अब एक बार हम निगेटिव रखेंगे यानी कि वेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या रखेंगे माइनस का थ्री, जब माइनस थ्री रखेंगे वहां से आ जाएगा वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा इक्वल टू माइनस का थ्री बाय टू, बस में आ गया वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू, क्योंकि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का यहाँ से जब स्क्वायर रूट के दो वैल्यू मिला प्लस माइनस थ्री, एक बार प्लस वैल्यू रखे और एक बार माइनस वैल्यू रख दिए, यहाँ पे जो हमने प्लस थ्री रखे थे और यहाँ पे हम क्या रख दिए माइनस थ्री। ठीक है, ऐसे करके दो वैल्यू मिल गया, समझ आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, इफ इफ वन जीरोज, इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट के एक्स माइनस नाइन, ठीक है, एज एज नेगेटिव ऑफ द अदर, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। देखिए यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो, ठीक है, बोला है इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट के एक्स माइनस नाइन इज नेगेटिव ऑफ द अदर, नेगेटिव ऑफ द अदर बोला है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, दो, तो बोला है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसका एक जीरोज जो है वो दूसरे जीरोज का क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका एक जीरो जो है वो क्या है, दूसरे जीरो का नेगेटिव है, हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है कब, जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो के नेगेटिव है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के कारण इसका कितना जीरो होगा, दो, क्वाड्रेटिक के कारण इसका कितना जीरो होगा, दो, उस कारण से एक जीरो जो है वो दूसरे के नेगेटिव है, ये हमें कंडीशन दे रखा है, तो हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट के एक्स माइनस नाइन, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, जो कोएफिशिएंट का वैल्यू होगा वो कोएफिशिएंट पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो जीरो है वो कितना जीरो है, दो को, एक जीरो जो है वो दूसरे के नेगेटिव है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट के एक्स माइनस नाइन, इसका दो को जीरोज है, एक जीरोज को हम कंसिडर कर लिया अल्फा, तो दूसरा जीरोज क्या होगा, निगेटिव, वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज निगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि इसका एक जीरोज जो है वो दूसरे जीरोज का क्या है, निगेटिव है, इसका एक जीरोज अल्फा हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, अगर इसका एक अल्फा हो गया तो दूसरा क्या जाएगा, माइनस अल्फा, क्योंकि इसका क्या था, निगेटिव था, ये बात समझ आ गया। अब कंडीशन हम लिख देते हैं, ठीक है, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है, फोर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फोर, अब लिखेंगे बी का वैल्यू, बी क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें सिर्फ एक्स है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस एट के, तो माइनस का एट के, तीसरा क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म, सी का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना है, माइनस नाइन, ये हो गया कॉन्स्टेंट टर्म, बस में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए, सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज को क्या करना, सम करना है, जीरोज क्या, अल्फा और माइनस अल्फा, देखो अल्फा और माइनस अल्फा, क्योंकि सम करना है, लेकिन बीच में प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू माइनस, बी का वैल्यू कितना है, माइनस का एट के अपॉन ए, ए का वैल्यू कितना है, प्लस का फोर, यहाँ पे ये फोर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये दोनों कैंसिल, ठीक है, क्या जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इधर क्या हो गया, जीरो इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि एट के अपॉन फोर, इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, क्या जाएगा, वन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एट के को वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, एट के, और फोर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, तो यहां से के इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, बात समझ आ गया। कंडीशन क्या दिया था, जी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो के क्या है, निगेटिव है, तो एक जीरो को हम कंसिडर कर लिया अल्फा, दूसरा जीरो क्या हो गया, माइनस अल्फा, क्योंकि एक जो है वो दूसरे का क्या है, निगेटिव है, तो एक को अल्फा, दूसरे को क्या ले लिया, माइनस अल्फा, कंडीशन हम सम ऑफ जीरोज का लगा लिए, वहां से हमें के का वैल्यू मिल गया जीरो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में देखा है, इफ द सम ऑफ द जीरोज, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ टी, यहां पे पॉलिनोमियल टी में दे रखा है, एफ ऑफ टी इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस थ्री के, ठीक है, के टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस थ्री के इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, के काम है वैल्यू फाइंड करना। देखो क्वेश्चन क्या रखा है, इफ द सम ऑफ द जीरोज, इफ इसको ध्यान देना, इफ द सम ऑफ द जीरोज, जीरोज का सम, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखा है एफ ऑफ टी इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस थ्री के, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू, इक्वल बोला है, इक्वल का मतलब बराबर, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ जीरो जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के, सम ऑफ जीरो जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं, यानी कि एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, के टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस थ्री के, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके लिए ए बी और सी का वैल्यू लिख लेंगे, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है के, अब लिखेंगे बी का वैल्यू, बी क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ टी, तो टी का कोफिशिएंट क्या है टू, अगला सी, सी क्या होगा कॉन्स्टेंट टर्म, वो कितना है थ्री के, ये लिख लिया, ठीक है। अब हम इसके लिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो कितना हो जाएगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी का वैल्यू कितना है टू, माइनस टू अपॉन ए, ए का वैल्यू कितना है के, ये हो गया माइनस टू अपॉन के। अगला हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाय ए, सी का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म कितना है थ्री के, यहां पे आ गया थ्री के अपॉन ए का वैल्यू कितना है के, ये आ गया ए का वैल्यू के, ठीक है। नाउ कंडीशन हमें देखा है, कंडीशन क्या है, सम ऑफ जीरोज जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के क्या है इक्वल है, सम ऑफ जीरो जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के क्या है इक्वल है। नाउ कंडीशन हम यूज करते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू बोला, इक्वल टू का साइन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो जीरोज का जो सम था और प्रोडक्ट का दोनों को हम क्या कर दिए इक्वल कर दिए, सम ऑफ जीरो हमें पता है कितना है माइनस टू अपॉन के, तो माइनस टू अपॉन के, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है कितना है थ्री के अपॉन के, थ्री के अपॉन के से के कैंसिल, क्या बच गया माइनस टू इक्वल टू थ्री के, यहां से के इक्वल टू क्या आ गया माइनस टू बाय थ्री, ये आ गया के का वैल्यू, समझ में आ गया, ठीक है। देखिए
अपने में ऑन करता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। कल हम एनसीईआरटी वाला एक एक्सरसाइज किए थे, ठीक है, उसी का दूसरा एक्सरसाइज जो है वो हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एनजाइटी सॉल्यूशन जो है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, 2.1 हम कल किए थे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient, ठीक है। हमें बोला है क्या, find the zeros of the following quadratic polynomial जो है उसका zeros find करना है, ठीक है। find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient, ठीक है। जो हमें quadratic polynomial दे रखा है उसका zeros find करना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। देखो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर दे, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा है जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका बोला है जीरो फाइंड करने के लिए और रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका, इसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं f of x equal to x square minus 2x minus 8, ये quadratic polynomial है, इसका factor करते हैं। f of x equal to क्या हो जाएगा, x square minus 2x, इसको इसको multiply करके देखना होता है middle term वाले में, इसको इसको multiply करेंगे क्या होगा, minus 8x square, इसको हमें लिखना है, क्या लिखेंगे, minus 4x plus 2x और minus का 8। यहां से f of x equal to x क्या होगा, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 2, तो प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहां से आ गया f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 4, इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन लेके हम क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्या बच गया, x प्लस 2, ठीक है। देयरफॉर जीरो, जीरो जो मैं पूछा था, तो जीरो क्या हो जाएगा, यहां से x माइनस 4 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या जाएगा 4, तो 0 क्या जाएगा 4 एंड माइनस 2, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखा था इसका 0 वाला फाइंड करने के लिए, 0 क्या हो गया 4 एंड माइनस 2, ये दोनों 0 जा गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं, मान लो ये जो 0 है और एक 0 है, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज को हम ऐड करते हैं, क्या आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अगला निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 8, ये हो गया। अब इसी चीज को वेरीफाई करना है किससे, फॉर्मूला वाले से, तो फॉर्मूला वाले से जब वेरीफाई करेंगे सम ऑफ, यानी कि ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू यहां से लिख लेंगे कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है माइनस 2 और सी का वैल्यू कितना है माइनस 8, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, अल्फा इंटू बीटा वो कितना है c बाय a, तो c का वैल्यू कितना है माइनस 8 और a का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू माइनस
स्टेट। देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोज, वो कितना निकला था 2, यहाँ भी 2 आया, जितना यहाँ पे आया उतना ही यहाँ पे आया, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया -8, और यहाँ पे निकाले अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो भी कितना आया -8, ये दोनों भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। बात समझ आ गया? ठीक है, अगर जीरो फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे और उसको जीरो के बराबर करेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना होगा तो उसको जीरो के बराबर करेंगे और फैक्टर करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी का देखिए दूसरा पार्ट, इसी का दूसरा पार्ट है 4s² - 4s + 1। ठीक है, इसका भी फैक्टर करेंगे, इसका अगर हम इसको हम पॉलिनोमियल लेट कर लेंगे यानी कि पी ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4s² - 2s - 2s, -2 - 2 - 4 अब +1, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा 2s, क्या बचेगा 2s - 1, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे -1, तो 2s - 1 कॉमन लेके बाहर कर देंगे, तो 2s - 1 जब कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 2s - 1। अब यहां से जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा 2s - 1 को जब जीरो के बराबर करेंगे तो 1/2 एंड 1/2 दोनों चीज क्या आ जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था निकालने के लिए, जो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए ए बी और सी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू कितना है -4, सी का वैल्यू कितना है 1, लिख लिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो अल्फा प्लस यानी कि हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 1/2 + 1/2 कितना जाएगा 2/2 = 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/2 × 1/2 कितना जाएगा 1/4। ठीक है, इसी चीज को हम फॉर्मूला से निकालते हैं, फॉर्मूला से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, बी का वैल्यू -4/4 इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो c का वैल्यू कितना जाएगा 1/4, ये दोनों क्या हो गया वेरीफाई हो गया, यहाँ भी दोनों क्या हो गया वेरीफाई हो गया। बस में आ गया, बाकी यहाँ से जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और भी इसका 4-5 पार्ट बचा हुआ है उसको हम कल करेंगे। ठीक है।